नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय के बाहर पटवारी और कानूनगो की 3 दिवसीय हड़ताल के चलते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे पटवारी स्टेशन के जिला प्रधान रामफल ने बताया कि पहले इन्होंने 35,400 रुपए वेतन की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, जिसके बाद 32,100 रुपए की घोषणा की गई थी। सरकार इस घोषणा को 2023 से लागू करना चाहती है, लेकिन हमारी मांग है कि घोषणा को 2016 से लागू किया जाए। इस मांग को लेकर आज से 3 दिनों की हड़ताल की शुरुआत की गई है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। हमारी मांगे, पिछले साल हमने जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसको बाद में हड़ताल का रूप ले लिया, और 4 जनवरी 2023 को सीएम साहब ने हमारे जो स्टेट प्रधान हैं उनको और कार्यकारिणी को हरियाणा भवन दिल्ली में बुलाकर मीटिंग की और उसमें आश्वासन दिया कि जो आपकी 35,400 की डिमांड है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका वेतन मान 25,500 से बढ़ाकर 3,200 कर दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। और 26 जनवरी 2023 से पहले पहले आपको खुशखबरी दे दी जाएगी। तो सीएम साहब ने 24 जनवरी को ही इसके बारे में खुशखबरी दे दी और उन्होंने 3,200 का नोटिफिकेशन जारी करा दिया, जो 1/16 से 9 से लागू किया गया, और उसका 1/16 से 23 तक हमें कोई एरियर की ना ही हमारी डिमांड थी, ना ही सरकार ने इसको किया एरियर की, अब भी हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन 1/16 से 24/1/23 तक नोशनल लागू किया जाए और उसके बाद जो आज तक बनता है अधिसूचना के बाद उसका हमें एरियर दिया जाए, यही हमारी डिमांड थी, इसको मान लिया था। लेकिन FD के अधिकारियों ने, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार है, उसमें 9/2/2023 को एक और लेटर निकाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको नोशनली ना दे के प्रस्पेक्टिवली दिया जाएगा, जिससे कि हमारे किसी भी पटवारी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि कुछ पटवारी उस वेतन मान में पहले से ही चल रहे हैं, उनकी तो और इससे डाउन जा सकती है। तो इसलिए हमारी डिमांड यही है कि जो पहले लेटर निकाला था वह बिल्कुल सही था और जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था उस लेटर से ही वो पूरे होते हैं, लेकिन जो दूसरा लेटर है वो वादा खिलाफी है और उससे हमारे पटवारियों को बहुत भारी नुकसान है। 3 दिन की स्ट्राइक है, अगर 3 दिन में सरकार बात नहीं मानती तो क्या रणनीति बनाई गई है फिलहाल? हमारे स्टेट प्रधान की और कार्यकारिणी की तरफ से अभी 3 दिन के धरना प्रदर्शन के लिए ही आह्वान किया है, अगर 3 दिन के तक भी सरकार सांकेतिक प्रदर्शन को हमारी नहीं सुनवाई करती तो उसके बाद इसकी लंबी हड़ताल भी चल सकती है, जिससे कि आम जनमानस को बहुत परेशानी है, लेकिन हमने भी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम भी एक आम जनमानस, आम नागरिक से ही होकर यहाँ पर आए हैं और उनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं जो हमें भी कभी हुई थी, हम उनका बड़ा वो करते हैं कि कोई किसी व्यक्ति का कोई काम ना रुके, लेकिन हमें मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, हड़ताल लंबी भी चल सकती है। पटवारियाँ टोटली और इस समय जो है हमारे जिला यमुनानगर की सबसे मुख्य जो दिक्कत है वह यह है कि यहाँ पर 90 पटवारियों की पोस्टें हैं और 15 कानूनगो की पोस्टें हैं, जिसमें कानूनगो की तो 15 पोस्टें ठीक हैं, लेकिन 90 पटवारियों में से अभी यहाँ पर सिर्फ 40% यानी कि 36 जो 36 पटवारी हैं वह कार्य कर रहे हैं, और जिन 36 पटवारियों को कभी कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी PM किसान की जो एग्रीकल्चर वालों के साथ गिरदावरी में जाना पड़ता है, खराब ड्यूटी करनी पड़ती है, पटवारियों दफ्तर में नहीं मिलते, जिससे कि लोगों की रोज यही दिक्कतें रहती हैं कि पटवारी दफ्तर में नहीं बैठते, लेकिन पटवारी कार्य अपनी जितना भी हुए कार्य कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आम पब्लिक को इसलिए खुश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पोस्टें 90 होने के बावजूद भी हम 36 ही काम कर रहे हैं, तो इस विषम परिस्थितियों में काम करना बड़ा भारी है। आज कितने जो है 36 के 36 ही स्ट्राइक पे हैं यहीं पे? आज 36 के 36 पटवारी स्ट्राइक पे हैं, वो स्ट्रेंथ कम इसलिए दिख रही है, कुछ पटवारी अभी 1-2 कोर्ट में गए हैं और स्ट्रेंथ जब 90 में से 36 ही है तो फिर संख्या तो कम वैसे ही नजर आएगी। तो सरकार को कितना नुकसान हो रहा है आपके स्ट्राइक पे चले जाने के कारण? सरकार को तो नुकसान तो देखो जो रिवेन्यू का नुकसान है वो तो है ही, जो हमारे जो लोग हैं नकले लेते हैं या कुछ भी हैं, जो रिवेन्यू आता है वो कम होगा, रजिस्ट्रेशन कार्य भी बाधित होगा, आम जनमानस को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।